मंडी में है उनको मालूम चलना चाहिए कि सारंगी को जिताने के लिए बहरागोड़ा में भाजपा वाले इकट्ठा हुए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए ऊपर दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे युवा और लोकप्रिय प्रत्याशी भाई कुणाल सारंगी जी, डॉक्टर दिनेश कुमार जी, चंडीशरण साव जी, सुदीप पटनायक जी, जगन्नाथ महतो जी, शिवचरण हंसदा जी, सत्यवान नायक जी, सुमन मंडल जी, रघुनाथ दास जी, श्री विश्वास दास जी, रोहित कुमार जी, सरोज महापात्र जी, श्री परमेश्वर हेम्ब्रम जी, श्री पारस सिंह मुंडा जी और मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी नेतागण। और आज के कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में जहां तक नजर जाती है मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा जोहार। मित्रों, आज जब मैं झारखंड की पवित्र धरती पर आया हूं, उस वक्त भगवान जगन्नाथ और मां काली को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये धरती जो है ये भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, जहां पर देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम शुरू करने का काम भगवान बिरसा मुंडा ने किया था। आज मैं यहां भगवान बिरसा मुंडा को बार बार प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये भूमि परमवीर चक्र, शहीद एल्बर्ट एक्का और शहीद थॉमस सोरेंग जैसे वीर योद्धाओं की भूमि। ये भूमि को मैं फिर से प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं, मैं थोड़ी संक्षिप्त में आपसे बात करना चाहता हूं। 7 तारीख को आपको जब वोट देने जाना है तो आप वोट किसी एमएलए को जिताने के लिए देंगे क्या? कोई सरकार बनाने के लिए देंगे? रघुवर जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए देंगे? मैं कहता हूं इसके लिए वोट मत देना, वोट भारतीय जनता पार्टी को जरूर देना, मगर झारखंड के विकास के लिए, मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के विकास के लिए वोट देना, क्योंकि यही झारखंड है जिसके निर्माण के लिए अनेक युवाओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया। यही कांग्रेस पार्टी झारखंड के युवाओं पर डंडे बरसाती थी, यही कांग्रेस पार्टी झारखंड के युवाओं पर गोली चलाई थी। आज हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठकर झारखंड का विरोध करने वालों के साथ मुख्यमंत्री बनने के लिए निकले। इन लोगों को पहचानने की जरूरत। इतने साल तक अनेक सरकारें बनी, किसी ने झारखंड की रचना नहीं की। झारखंड की रचना कब हुई? जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, अटल जी ने झारखंड की रचना कर आज का झारखंड बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मित्रों, अटल जी ने झारखंड को बनाया और मोदी जी और रघुवर दास ने झारखंड को संवारने का काम किया है। मित्रों, झारखंड जो एक जमाने के अंदर नक्सलवाद से ग्रसित था, हर रोज बम धमाके, हर रोज हत्याएं, हर रोज फिरौती,
आज 5 साल के अंदर नक्सलवाद को जमीन के अंदर 20 फुट नीचे दफन करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक पूर्ण बहुमत की सरकार आपने दी, ये पूर्ण बहुमत की सरकार ने समग्र झारखंड के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं और आज झारखंड मोदी जी के नेतृत्व में, रघुवर जी के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मैं पूरे झारखंड के राज्य की बात करने की जगह बहरागोड़ा विधानसभा की बात करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस सारंगी यहां बैठा है, उसको मैं बधाई देना चाहता हूं कि विधानसभा का हर गांव रोड से जोड़ने का काम आज बहरागोड़ा विधानसभा के अंदर समाप्त कर दिया गया है। सखी मंडलों की रचना कर हजारों 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 बहनों को रोजगारी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। महोलिया से बहरागोड़ा तक 4 लेन रोड का निर्माण, एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं, 119 सड़कें, लगभग 350 करोड़ रुपए के खर्चे से अकेली इस विधानसभा के अंदर बनाने की बात करी है। और मित्रों 70 साल हो गए, यही कांग्रेस जो आज झारखंड के विकास का दावा करती है। मैं राहुल बाबा को पूछने आया हूं, भैया आप जरा झारखंड के लोगों के वोट मांगने आए हो, तनिक बता दो कि उनके घर में बिजली क्यों नहीं पहुंची थी, 70 साल तक बिजली क्यों नहीं पहुंची थी। सिर्फ इस विधानसभा के अंदर 11,400 गरीब घरों के अंदर बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 34,900 घरों में शौचालय देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और 7,000 गरीबों को अपना पक्का घर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जब उनकी सरकार होती थी ये पूरे राज्य के भी आंकड़े नहीं होते थे, ये सिर्फ एक विधानसभा की बात करता हूं। 35,220 माताओं को गैस का सिलेंडर और चूल्हा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 98,000 छात्रों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दी गई है। आदिवासी कल्याण के ठर 15,000 छात्रों को साइकिल देने का काम किया है और 80 लाख रुपए की लागत से सरना मसना स्थलों की घेराबंदी का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और 40,000 से ज्यादा किसानों को उनका लाभ पहुंचाने का काम किया है। मित्रों कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस वक्त 5 साल के अंदर, आज राहुल बाबा झारखंड आए हैं, जरा जवाब देकर जाए। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चलती थी, झारखंड के विकास के लिए आपने क्या किया बताइए। 5 साल के अंदर आप 55,000 करोड़ रुपया देते थे, 55,000, जरा बताओ माताओं बहनों भाइयों कितना देते थे, सुना नहीं ना। मैं फिर से कहता हूं 5 साल में कांग्रेस पार्टी झारखंड के विकास के लिए 55,000 करोड़ रुपया देती थी, कितना देती थी जोर से बोलो अब। और नरेंद्र मोदी जी ने 55,000 करोड़ से बढ़ाकर 3,08,490 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों ढेर सारे विकास के काम किए, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, मैं पूरे विकास की कथा सुनाने जाऊं तो 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठा दूं तो भी विकास के कामों की सूची समाप्त न हो, इतना ही विकास के काम किए हैं। मगर मित्रों ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों से झारखंड वालों का कोई लेन देन नहीं है। इतनी बड़ी हजारों की संख्या में आप हो, मुझे बताओ देश सुरक्षित रहे वो आप लोग चाहते हो या नहीं चाहते हो, जोर से बोलो चाहते हो या नहीं चाहते हो।
ईश्वर युवा बताएं चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, पाकिस्तान से हर रोज आलिया मालिया जमालिया देश के अंदर घुस जाते थे, जवानों के सर काट कर ले जाते थे। मौनी बाबा मनमोहन सिंह एक शब्द नहीं बोलते। नरेंद्र मोदी सरकार हुई, उरी पर हमला किया, पुलवामा में हमला किया, नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ही दिनों में सेना को हुक्म दिया सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का खुर्चा खुर्चा बुलाकर हमारे सेना के जवान वापिस आए। मित्रों, देश को सुरक्षित एक कांग्रेस पार्टी नहीं रख सकती। यहां से नक्सलवाद को एक कांग्रेस पार्टी समाप्त नहीं कर सकती। वो कहते हैं झारखंड का कश्मीर से क्या लेन देन, मुझे बताओ युवाओं, कश्मीर देश का हिस्सा रहे आप चाहते हो या नहीं चाहते हो? जोर से बोलो, चाहते हो या नहीं चाहते हो? माताएं दीदी बताएं, चाहते हैं या नहीं चाहते? 70 साल से धारा 370 को संभाल कर बैठे थे, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते थे, नरेंद्र मोदी सरकार आपने बना दी। 14 में से 12 सीटें मोदी जी के झोली में डाल दी। मोदी जी ने 5 और 6 अगस्त को धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया और अपना कश्मीर हमेशा के लिए हिंदुस्तान का हो गया। मुझे बताओ भाइयों, ये झारखंड के अंदर से घुसपैठिए जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये राहुल बाबा कहते हैं एनआरसी क्यों ला रहे हो, घुसपैठियों को क्यों निकाल रहे हो, कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? क्यों भाई, आपके चचेरे भाई लगते हैं क्या? ये राहुल बाबा को जो बोलना है बोलने दो, मैं बताने आया हूं। मित्रों, 2024 के पहले इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली। ये कहते हैं अयोध्या का क्या लेन देन झारखंड से, मुझे बताओ। यहां इतनी सारी दीदियां माताएं बहनें बैठी है, युवा है, भाई अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों से केस को लटका कर रखा, राम मंदिर का मसला हल नहीं हुआ। कपिल सिब्बल कांग्रेस पार्टी के नेता, वो कहते हैं अभी मत चलाओ, अभी मत चलाओ। क्यों भाई, आपके पेट में क्या दर्द होता है? नरेंद्र मोदी सरकार आई, राम मंदिर का सर्वोच्च अदालत ने फैसला दे दिया और मैं आपको बताता हूं कुछ ही दिनों के अंदर आसमान को छूता हुआ भव्य राम भगवान का मंदिर अयोध्या के अंदर दिखाई पड़ेगा। सालों सालों से ये सारे मसले, देश की सुरक्षा का मसला हो, घुसपैठ का मसला हो, धारा 370 का मसला हो, राम जन्मभूमि का मसला हो, ये अटका कर बैठ गए थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने इनको एक ही टर्म के अंदर निरस्त करने का काम कर दिया। माताओं भाइयों बहनों, मैं आपको यही निवेदन करने आया हूं कि नरेंद्र मोदी और रघुवर दास की ये डबल डेकर विकास वाली सरकार, डबल इंजन विकास वाली सरकार झारखंड को आगे ले जाएगी। हमारे युवा प्रत्याशी आ गया हो भाई, हमारे युवा प्रत्याशी कुणाल को यहां से भारी बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ जिताकर आप विधानसभा में भेजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं जानता हूं इसे, ये विधानसभा को केवल झारखंड नहीं देश भर के अंदर सबसे अच्छी विधानसभा कुणाल बना सकता है। रघुवर जी और नरेंद्र जी मोदी जी का पूरा आशीर्वाद कुणाल पर है। मुझे बताओ भाई, कुणाल को जिताकर भेजोगे क्या? जोर से बोलो, भेजोगे क्या? भाजपा सरकार बनाओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? रघुवर जी को सीएम बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे?
तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अमित शाह जी, आपकी हौसला अफजाई और आपके इस आशीर्वचन के लिए जो बहरा